प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके थे एनालिसिस मॉडलिंग अप्रोचेस कौन कौन सी होती हैं, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। अब स्ट्रक्चर्ड अप्रोच भी मल्टीपल टाइप्स की होती हैं, उसमें से हम डेटा मॉडलिंग पढ़ चुके हैं और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं फंक्शनल मॉडलिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे डेटा फ्लो डायग्राम और डेटा डिक्शनरी। तो फंक्शनल मॉडलिंग क्या होता है, जो रिप्रेजेंट करता है किस टाइप से इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है, यानी डेटा कैसे इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है, ये शो करता है फंक्शनल मॉडलिंग में शो किया जाता है, या जिसे बोलते हैं फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एनी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे फ्लो हो रही है, ये हमें फंक्शनल मॉडलिंग से पता चलता है। और इट प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन ऑफ हाउ डेटा ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय प्रोसेसिंग फंक्शन। तो प्रोसेसिंग फंक्शंस जो है वो डेटा को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग, हमें ये पता चलता है। या आप कह सकते हो कि फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग रिप्रेजेंट्स हाउ डेटा ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड एज दे मूव थ्रू द सिस्टम। तो जैसे जैसे डेटा मूव हो रहा है तो कैसे वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसेस। डेटा फ्लो डायग्राम इज द ग्रामेटिक फॉर्म दैट इज यूज टू शो दिस ट्रांसफॉर्मेशन। और ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डेटा कैसे प्रोसेसेस की हेल्प से ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये किसकी हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम टेक्स एन इनपुट, डीएफडी मतलब डेटा फ्लो डायग्राम टेक्स एन इनपुट प्रोसेस आउटपुट व्यू ऑफ ए सिस्टम। तो डीएफडी जो है उसमें हम क्या शो करते हैं कि इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है और क्या आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, तो पूरा सिस्टम का व्यू रिप्रेजेंट होता है। मतलब पूरा हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्या इनपुट्स होंगे, क्या प्रोसेसेस होंगे, क्या आउटपुट्स जनरेट होंगे, उसका पूरा एक व्यू रिप्रेजेंट करता है डेटा फ्लो डायग्राम। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम क्या है, इट इज ए प्रोसेस मॉडलिंग टूल दैट डिपिक्स फ्लो ऑफ डेटा थ्रू अ सिस्टम वर्क और प्रोसेसिंग परफॉर्म बाय द सिस्टम। तो ये एक प्रोसेस मॉडलिंग टूल है, जैसे ईआर डायग्राम क्या था, एक डेटा मॉडलिंग टूल था। यहाँ पर ये क्या है, प्रोसेस मॉडलिंग टूल है जो क्या शो करता है, फ्लो ऑफ डेटा थ्रू दी सिस्टम। सिस्टम में डेटा कैसे फ्लो हो रहा है ये पता चलता है हमें इससे। वर्क और प्रोसेसिंग परफॉर्म बाय दी सिस्टम, जो सिस्टम है सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो कैसे अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है। डीएफडी हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड दी सिस्टम, आप इसकी हेल्प से जो आप सिस्टम डेवलप कर रहे हो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। डीएफटी आर ओनली कंसर्न विद डेटा, ठीक है, क्या इनपुट डेटा है, कैसे इनपुट डेटा आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है, डीएफटी के थ्रू हमें ये पता चलता है। तो इट इज मेनली कंसर्न विद डेटा, या कह सकते हैं डीएफटी फोकस ऑन द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन वेयर डेटा कम्स फ्रॉम, वेयर इट गोज एंड हाउ इट गेट्स स्टोर्ड। तो डीएफटी क्या देखता है कि कैसे जो है डेटा कहाँ से आया, कहाँ गया और कहाँ जाके स्टोर हो गया, तो पूरी इन्फॉर्मेशन वो डेटा की शो करता है। नेक्स्ट इज सिंबल्स यूज्ड इन डेटा फ्लो डायग्राम। तो फर्स्ट इज प्रोसेस नोटेशन, इसमें एक प्रोसेस टर्म यूज होता है। अब प्रोसेस ट्रांसफॉर्म्स इनकमिंग डेटा फ्लो इनटू आउटगोइंग डेटा फ्लो। तो प्रोसेस क्या करती है, इनकमिंग डेटा को किसमें कन्वर्ट कर देती है, आउटगोइंग डेटा में। तो प्रोसेस को हम बबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बबल बोलते हैं। अब डीएफटी की जो नोटेशन है वो टू टाइप्स की, एक यॉर्डन एंड कॉर्ड नोटेशन है, एक गेने एंड सैरसॉन नोटेशन है। तो दोनों ही नोटेशन मैंने शो की हैं, यॉर्डन की लेफ्ट साइड शो की है और राइट साइड गेने की शो की है। तो आपको कहीं कहीं एग्जाम में ऐसा शो किया जाएगा बबल के फॉर्म में प्रोसेस को, या फिर इस टाइप से रेक्टेंगुलर जो है जिसके इस टाइप से शेप होगा वैसे शो की जाएगी, जिसमें लेवल नंबर शो होगा और प्रोसेस शो होगा। दोनों ही रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है, लेकिन मेनली हम ये वाली रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे। फिर दूसरा टर्म इसमें यूज होता है डेटा स्टोर। डेटा स्टोर आर रेपोजिटरीज ऑफ डेटा इन द सिस्टम, दे आर समटाइम्स ऑल्सो रेफर्ड टू एज फाइल्स, ठीक है। जहां पर डेटा स्टोर होगा सिस्टम का उसे क्या बोलते हैं, डेटा स्टोर्स, ठीक है।
तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आपको कहीं दिखेगा ये दो लाइंस होंगी तो यहाँ पर ये डेटा स्टोर है, या ऐसा शो होगा, दोनों ही करेक्ट है, या फिर ये वाली नोटेशन में क्या होगा ऐसे शो होगा, तो दोनों ही रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या आता है, डेटा फ्लो नोटेशंस। तो डेटा फ्लो क्या होता है, डेटा फ्लोस आर पाइपलाइंस थ्रू विच पैकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्लो। तो डेटा फ्लोस क्या है, जिनके थ्रू, वो एक पाइपलाइन है जो बताता है कि इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रहा है, या कह सकते हो इट इलस्ट्रेट्स द मूवमेंट ऑफ डेटा फ्रॉम वन एंटिटी और प्रोसेस टू अनदर। तो ये बताता है कि डेटा कैसे मूव हो रहा है, एक एंटिटी से या एक प्रोसेस से कैसे दूसरी एंटिटी या प्रोसेस के पास डेटा फ्लो हो रहा है। लेबल द एरो विद द नेम ऑफ द डेटा दैट मूव्स थ्रू इट। और इसके ऊपर हम एक नेम लिखेंगे, जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसका नेम यहाँ पर हम लिखेंगे। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल एंटिटी। एक्सटर्नल एंटिटीज आर ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द सिस्टम विथ विच द सिस्टम कम्युनिकेट। तो एक्सटर्नल एंटिटीज क्या है, वो ऑब्जेक्ट्स है जो उस सिस्टम के आउटसाइड है, जो सिस्टम से कम्युनिकेट करने वाले, जैसे कस्टमर है ना, तो कस्टमर जो है उस सॉफ्टवेयर सिस्टम, होटल रिजर्वेशन सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो एक्सटर्नल एंटिटी है। ठीक है, कोई सेल्स वाला जो है, कोई सेल्स मैनेजर जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो भी एक एंटिटी है। एक्सटर्नल एंटिटीज आर सोर्सेज एंड डेस्टिनेशंस ऑफ द सिस्टम्स इनपुट्स एंड आउटपुट्स। जो एक्सटर्नल एंटिटीज हैं वो सोर्सेज और डेस्टिनेशन है सिस्टम के इनपुट और आउटपुट के लिए, यानी इनपुट्स जो आएगा वो एक्सटर्नल एंटिटी ही प्रोड्यूस करेंगी, और जो आउटपुट जनरेट होगा वो भी एक्सटर्नल एंटिटी को प्रोवाइड किया जाता है। तो एक्सटर्नल एंटिटी को हम ऐसे रेक्टेंगल से शो करते हैं और उसके अंदर एक्सटर्नल एंटिटी का नाम रखते हैं, या फिर उसको ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों ही नोटेशन करेक्ट है। तो ये फोर टाइप्स के सिम्बल्स यूज होते हैं, प्रोसेस, डेटा स्टोर, डेटा फ्लो एंड एक्सटर्नल एंटिटी, DFD में, डेटा फ्लो डायग्राम में।